राजस्थान कवाई कस्बे में जगह जगह जलदाय विभाग की पाइपलाइनें लीकेज हो रही हैं, जिनसे हजारों लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। आए दिन लीकेज हो जाने के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कस्बे में कई जगह जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। कस्बे वासियों ने बताया, विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के चलते रोजाना कई जगह लीकेज हो रही पाइपलाइनों से कीमती पानी बर्बाद हो रहा है। कस्बे में कई कॉलोनियां ऐसी भी हैं जहां पर पानी सही से नहीं पहुंच पा रहा है, तो कई जगह नल जाने के बाद पानी की मोटर चलाएं तब 10-15 मिनट में पानी आता है। इस पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने इधर उधर निजी ट्यूबवेलों से 400 से 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से पानी घरों तक पहुंच रहा है। पेयजल पाइपलाइन कई दिनों से लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पाइपलाइन लीकेज को ठीक करवाने के लिए जलदाय विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देने से पानी यूं ही बर्बाद हो रहा है। पीयूष मित्तल ने बताया, मेरी दुकान के सामने ही जलदाय विभाग ने पाइपलाइन को अंडरग्राउंड निकाला था। इस खड्डे को ऐसे ही खानापूर्ति कर छोड़ दिया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।